Assalamualaikum. CS605 Software Engineering 2 Assignment Number 1 Fall 2020 26 November को आपने जमा करवानी है. First जो है वो 8 लेक्चर से जी आया है. इसको MS Word में ही जमा करवाना है. एक आपको आंसर शीट दी हुई है, आपने उसको समझ के करना है. ये हैंड आउट से ही सारा कुछ है. आप इसको अगर क्लोजली पढ़ लें या देख लें या सर्च कर लें तो आप असाइनमेंट 10 मिनट में बना सकते हैं. लेकिन कुछ इसके अंदर रिक्वायरमेंट हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, उनको लाजमी आपने देखना है. क्या आपने आंसर शीट में सिर्फ नंबर लिखना है. सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द अबव गाइडलाइंस विल बी एक्सेप्टेबल ओनली. अगर आपने अपनी मर्जी की ए बी सी लिखने की कोशिश की, नाम लिखने की कोशिश की, टर्म्स को कॉपी करने की कोशिश की, जो कि मुख्तलिफ जगह पे वीडियोस के अंदर दिखाया जा रहा है कि नाम लिखना है, नाम लिख दें, तो नाम नहीं लिखना. आपने ये जो नाम और टर्म के साथ 1, 2, 3, 4 है, इनमें से जो सूटेबल है वो 1, 2, 3, 4 प्लेस करना है. जैसे कि मेरी असाइनमेंट के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ दूंगा जो कि आपने सबमिट करनी है. आपकी आसानी हो जाएगी, आप बेशक नंबर देखें और नंबर जाके अपना लिख दें. ये देख लें, आपको 0 मिलना है, 0 मार्क्स इफ क्रिएट एनी अदर आंसर शीट फॉर्मेट. आपने अगर इसको कोई कलर करने की कोशिश की, कुछ भी किया, तो आपको 0. राइट एनी अदर अल्फ़ाबेट करेक्टर इंस्टेड ऑफ नंबर इंडेक्स. आपने 7 के अलावा कुछ भी लिखने की कोशिश की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर या लीडर लिखा इधर 7 के साथ अपने कुछ, तो आपने सिर्फ नंबर लिखना है. तो जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दें. पहले के लिए प्लान ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड मोटिवेट, ये इसके लिए नंबर 7 है. ये नंबर 7 जो है वो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो इसको देख लेते हैं. हाँ जी, प्रोजेक्ट मैनेजर है. मुझे कैसे पता चला, आपने भी ऐसे सर्च करना है. ये देखें, मैंने जाके सर्च किया हैंडआउट्स के अंदर, तो ये मैंने लिखा है मोटिवेट. तो ये देखें, प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्लान मोटिवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल द प्रैक्टिशनर्स. तो ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है अगर आप इसको फॉलो करें. तो काइंडली 7 लिखना है. किसी ने कुछ भी लिखा हुआ तो वो ना लिखें. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं आना, ये मैं श्योर हूँ. और नंबर 2 पे विजनरी, बिग हार्ट, तो इसमें से आपने ना एक आधा कीवर्ड लेना है जो कि आप अपने हैंडआउट में सर्च कर सकें. आपको उसको या तो उसके रिलेटेड कुछ मिल जाएगा. तो ये देखें, बिग हार्ट वाला मिल गया. ये किसका है, द लीडर. तो अब मैंने जाके देखना है कि जो मुझे लिस्ट दी हुई है उसमें लीडर है किसी जगह पे. तो लीडर है जी यहाँ पे. तो मैंने 11 पकड़ा और यहाँ पे लिख दिया. 2 ठीक हो गए मेरे. द ट्रैकिंग ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस डज नॉट कंसिडर एंड मोनिटर बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. जब एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोग्रेस को मोनिटर कंसिडर नहीं करेगा, तो नंबर टू क्या है जी, वो आप एंड अप एज अ फेलअर. तो आप इसको हैंड आउट में सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा वाई प्रोजेक्ट फेल. तो आप इसके अंदर जाके देख लें कि वो रीजंस क्या हैं, कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर अगर ध्यान ना दे तो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा. तो इस चीज़ को आप इधर से, मैंने तो लिखा है एंड्स अप एज अ फेलअर. तो नंबर 2 मैंने उधर लिख दिया, आपने भी 2 ही लिखना है, कोई कुछ भी नहीं लिखना साथ. और हाईली एक्सपर्ट पीपल इन टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी के अंदर जिनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वो कौन है. मैंने नंबर 7 लिखा है. नंबर 7 कौन है जी, नंबर 7 है जी प्रोजेक्ट मैनेजर. तो प्रोजेक्ट मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस और उसको टेक्नोलॉजी का बहुत कुछ पता होता है. नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटी, मैंने नंबर 9 लिखा है. तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, टीम लीड करना, टीम को लीड करना. और आपको लगता है कोई ह्यूमन एक्टिविटी इसमें से, मुझे तो नहीं लगती ह्यूमन एक्टिविटी कोई और. तो मेरा ख्याल से ह्यूमन एक्टिविटी टीम लीड ही है. एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवेल्प द सॉफ्टवेयर टू सेल टू द एंड यूज़र, नंबर 8 लिखा है. नंबर 8 क्या है जी, सॉफ्टवेयर वेंडर. सॉफ्टवेयर वेंडर, वेंडर किसे बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाता है. तो इस फिक्रे को समझें और फिर इसको सर्च भी कर लें, आपको मिल जाएगा. इन द सॉफ्टवेयर टीम ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन बिटवीन लीडर एंड टीम मेम्बर इज वर्टिकल. तो ये नंबर 3 है, ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है. ये मैंने सर्च भी किया है तो मुझे यही मिला है, कम्युनिकेशन बिटवीन टीम लीडर्स. तो ये आप सर्च भी कर लें तो आपको यही मिलेगा. मस्ट अवेयर ऑफ थिंग्स एंड कंसर्न दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होने वाला है. मस्ट अवेयर ऑफ थिंग्स एंड कंसर्न दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट, इस पर मुझे डाउट है. मैंने लिखा है की फैक्टर्स और सर्टन इसके ऊपर क्रिटिकल एंड की प्रैक्टिसेस. मैंने 1 लिखा है,
तो मे बी इट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 12 भी हो सकता है. मस्ट अवेयर ऑफ थिंग एंड कंसर्न दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट. मेरा ख्याल तो वही क्रिटिकल और की प्रैक्टिसेस ही होंगी जिनके बारे में अवेयर होना चाहिए. ए टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट सूटेबल फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट डील विद, तो ये क्या है जी, नंबर 5 है तो इसको आपने देख लेना है. स्मॉल सूटेबल रिक्वायरमेंट प्रोटोटाइप मॉडल के लिए होती है, तो मैंने नंबर 4 लिखा है. नंबर 5 जो है लूज स्ट्रक्चर जो है वो डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिव डिसेंट्रलाइज में होता है. एवरीबॉडी इज इक्वल राइट, तो डेमोक्रेटिव में सबको इक्वल राइट होता है, ये भी क्लियर है. उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज नॉट वेरी क्लियर, तो जब क्लियर ना हो तो फेलोर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और जस्ट विन द प्रोजेक्ट, तो विन किया प्रोजेक्ट और आगे चल पड़े हैं, तो ही इज़ नॉट अ गुड लीडर, ही इज़ नॉट अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर. तो ये नंबर 10 है. सूटेबल टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर प्रॉब्लम हैविंग नो कम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू वेल नोन डोमेन्स, तो ये आप देखोगे नंबर 3 पे ही है. सेंट्रलाइज्ड आई थिंक सो, कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड, जब आपकी हर चीज़ आपको पता हो कि ये ऐसे बननी है तो फिर वहाँ पे आप कंट्रोल सेंट्रलाइज कर दें. जब आपको पता है कि ऐसे ऐसे काम होना है तो वहाँ पे कंट्रोल सेंट्रलाइज सही रहेगा. स्टार्ट प्रोजेक्ट विद गुड पोटेंशियल बट एंड अप विद अनेबल टू कीप द मोमेंटम, तो एंड अप विद फेलोर होगा. डिफेक्ट ट्रैकिंग, इसको आप सर्च भी कर लेंगे तो आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो मिल जाएगा हैंड आउट्स के अंदर पूरे का पूरा फिक्रा. तो मैंने कुछ चीज़ें आपको सर्च करके बताई हैं, कुछ आप कर लीजिएगा. ये देखें क्रिटिकल प्रैक्टिसेस 1 इसका आंसर है जो आपके ऊपर दिया हुआ है कि इसका आंसर आपने 1 लिखना है. तो ये क्योंकि मैंने यहाँ से क्रिटिकल प्रैक्टिसेस, क्रिटिकल और की प्रैक्टिसेस, तो आपने हैंड आउट्स में देख भी लिया, थोड़ा खुद से सर्च कर लीजिएगा तो आपकी असाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी. थोड़ी सी मेहनत खुद किया करें. ये नंबरिंग आपको मैंने दे दी है तो इसको आप जो है वो आंसर शीट आपने इस तरह बना लेनी है. थोड़ी वीडियो को रोक लीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी. ये देखें 7 11 2 7 9 8 3 1 5 4 5 2 10 3 2 1, तो ये मेरी तरफ से है. बाकी आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा. थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सबका भला हो जाए.